नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड़ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने आज शेरपुर, गोकलपुर, मोमनपुर, तलवाड़, सरबिंदपुरा, जागवास, कल्याणपुरा, दहमी, दोगेड़ा, फतेहपुरा, बिचपुड़ी, पीपड़ी सहित अनेक गांवों का सघन जनसंपर्क किया। आज के दौरे की खास बात यह रही कि पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व बहरोड़ प्रधानपति एडवोकेट बस्तीराम यादव भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव की हर चौपाल पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बस्तीराम यादव के समर्थन देने से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव काफी मजबूत हुए हैं। ग्रामीणों ने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर और बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर घोड़ी पर बैठाकर जोरदार स्वागत भी किया। अनेक गांव की चौपाल पर डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को बड़ी फूल माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग मुझे भरपूर समर्थन दीजिए, बहरोड़ का संपूर्ण विकास करना मेरा काम है। जसवंत जी के अलावा मैं समझता हूँ कि ये बलजीत यादव जाने वाला नहीं है। बहुत सी ताकतें हैं यहाँ पर, आप सबको पता है कि वो लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके त्रिकोणीय संघर्ष करके और बलजीत यादव को लाभ देना चाहते हैं, ये यहाँ की जनता समझ चुकी है। इस बुलावे में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हुआ सीधा बलजीत की मदद करेगा। डॉक्टर बलजीत यादव डॉक्टर जसवंत यादव में है, इसलिए इधर उधर भाग नहीं जाते और डॉक्टर जसवंत यादव की मदद करके इनको कामयाब करने का काम करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना गुजारिश है। बहरोड़ विधायक व राजद प्रमुख बलजीत यादव ने आज नंगलारूद, देवनगर, कारोड़ा, अजमेरीपुर, जलालपुर, सरबिंदपुरा सहित अनेक गांवों का तूफानी दौरा किया। कारोड़ा गांव में गांव के मुख्य द्वार से गांव की चौपाल तक बलजीत यादव को ग्रामीणों ने बैंड बाजे और डीजे के साथ चौपाल तक लेकर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने बलजीत यादव का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत भी किया। अपने उद्बोधन में बलजीत यादव ने कहा कि जनता जज बनकर सही न्याय करे। इस दौरान सीताराम यादव, विक्रम यादव, अनिल सेठ, संजय अग्रवाल, वीरेंद्र झासला सहित अनेक गणमान्य लोग भी साथ रहे। देखिए, माँ का दिल होता है वो सबसे नरम होता है और वो देखती है कि मेरा बेटा अकेले फाइट कर रहा है, कितने लोग मिलके अकेले उसके खिलाफ लगे हुए, तो सबसे पहले माँ को अपने बेटे पे दया आती है और इसीलिए चौपाल पे मातृशक्ति का हुजूम उमड़ के आ रहा है और एक ही बात कह रहे हैं, घबराना नहीं, जमानत जब्त करके भेजेंगे इनकी। आपने जनता को, वोटर को जज का रूप दिया और कहा कि मेरे साथ न्याय करें। देखिए, मैंने ये कहा है कि तराजू के दोनों पर्डे के अंदर आप बीजेपी के एक में कैंडिडेट को रख लेना, एक में मुझे रख लेना, उसके काम को रख लेना, मेरे काम को रख लेना, जिसके काम ज़्यादा हो, जिसका पलड़ा भारी हो, उसके पक्ष में मतदान कर लेना। ऐसे नहीं चुगली चांटे कर करके बहका के पग पकड़ करके ऐसे लोगों के वोट को ठग ले जाए। इसलिए न्याय, वही मैं कह रहा हूँ कि सत्य के पक्ष में न्याय करना। अगर मैंने ज़्यादा काम किए हैं, 36 कौम का मैंने ज़्यादा सम्मान किया है, मैंने विधानसभा में जनता की मांगों को उठाया है, मैंने बहरोड़ का नाम 200 विधानसभा में किया है, अगर मैंने जनता की चिंता की है तो मेरे पक्ष में करना। मुझसे ज़्यादा अगर विधानसभा में जनता का पक्ष बीजेपी के कैंडिडेट ने रखा हो तो उसके पक्ष में करना। लेकिन लंबा टाइम उनको मिला एक बड़ा काम बताने को, डॉक्टर जसवंत के खाते में नहीं है कि उसने बहरोड़ विधानसभा में कराया। मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने आज सुंदरवाड़ी, सिहाड़ी खुर्द, सिहाड़ी कला, रड़वा, खानपुर, नाहरखेड़ा, मंढा, आमोठ, गढ़ी, गांधीनगर, तीन किरोड़ी गांव में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ललित यादव का बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत भी किया। ग्रामीण चौपाल पर ललित यादव को सुनने के लिए गांव का हर व्यक्ति पहुंच रहा है। ललित यादव ने राज 24 से खास बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी द्वारा खुली डिबेट करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी खुद तय कर ले कि कहां और कब डिबेट करनी है। ललित यादव आज भी अपने बयान पर कायम है। जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका, और गांव में हमने एक गांव में भी देखा था कि रात को 1 बजे तक भी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, ऐसी लहर क्यों आपकी बात?
देखिए ये सब लोग परिवार के लोग हैं, हमने 13 साल से कोई नेता कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं रखा, हमने बिल्कुल परिवार की भावना से लोगों के बीच काम किया है। मुंडा और मेरा परिवार है, तो ये मुझे पार्टी टिकट दे के भेजा है, तो हर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो चाहे रात को 2 बजे आए या 5 बजे आए, तो ये सब लोग बेचारे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मुझे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये सब परिवार के लोग इसलिए रात को 2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। ललित जी, आप जिस तरह से चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं, और लगभग रात को आप 2 बजे आके घर पर पहुँचते हैं, 5 बजे फिर अगले गाँव में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, ये टॉनिक कहाँ से मिल रहा है आपको? देखिए ये टॉनिक तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो जब नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या का और बलिदान देना पड़ेगा। हमारी पार्टी का इतिहास त्याग तपस्या और बलिदान का रहा है, हम भी उसी पार्टी के अभिशासी अंग हैं, तो निश्चित रूप से उसी से हमें ताकत मिल रही, नौजवान हैं और ऊर्जा मिल रही, लोगों का जो प्यार आशीर्वाद साथ में जुड़ा हुआ है उसी के दम पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आंकड़ा जनता बताएगी, मैं तो ये बता सकता हूँ कि जनता का मन बहुत अच्छा है, जनता बहुत मजबूती के साथ लगी, चुनाव विश्वास है, विश्वास का चुनाव है। 5 साल में विधायक महोदय ने अविश्वास पैदा किया, हम लोगों ने 13 साल विश्वास पैदा किया, उस बात का चुनाव हो रहा है। जनता इस बात को देख रही है कि जो तपस्या जिन लोगों ने की है, जो लोगों के सुख दुख में काम आए हैं, जो लोगों के हमेशा दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में शामिल रहे हैं, तो जनता, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हमने 13 साल से कर्म करते रहे, फल की इच्छा नहीं की, जब समय आया तो जनता आज रात को 2 बजे भी इंतजार कर रही है, हमारा इंतजार नहीं कर रही, मोहब्बत करती है। ललित जी, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आपका जो सामने वाला विरोधी है आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है, चौपाल पे डिबेट करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? वो श्रीमान जी चौपाल पे डिबेट करें, जहाँ भी करें, समय तय कर लें, जगह तय कर लें, मुझे बता दें, मैं आ जाऊँगा। मेरे साथ जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर जी भी आएंगे और आँख से आँख मिला के बात करेंगे। कोई बात नहीं, गलती आदमी से हो जाती है, कह दो आप मेरे नहीं खर्च करके पैसे आ गए, इतनी झूठ क्यों बोलते हो यार। कल बलवीर सिंह छिल्लर साहब मुनवाड़ा कला गांव में कह गए कि उनका 3 करोड़ कुछ तो पैसा जो उनका सेंक्शन ही नहीं हो पाया, 1 करोड़ कुछ पैसा है जिसकी स्वीकृति रुकी हुई है, तो 4 करोड़ 80-90 लाख रुपए जो उनके बचे हुए हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 5 साल में MLA लैंड का पैसा खर्च नहीं कर पाया वो क्या निहाल करेगा जनता को, केवल झूठ बोलने से फूल आग जाने से पार नहीं पड़ रही भाई। मुंडावर की जनता काम मांगती है, मुंडावर के लोग काम चाहने वाले लोग हैं, आपने 5 साल में केवल ऐसा आराम किए, सत्ता का सुख भोगा है, अब जनता उसका जवाब दे रही है, तो आप इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हो, चलेंगे नहीं अब। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें RAT24। नमस्कार। इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7वां से 8वां से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चे दानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।